कैनेडा आ रहे कौमांतरी विद्यार्थियों की गिनती सीमित करने का सद्दा दिंदियां ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने कहा है कि फेडरल सरकार स्टडी वीजे जारी करने तो पहला विद्यार्थियों की रिहायश का प्रबंध यकीनी बनावे। विद्यार्थियों की गिनती घटाने लई ब्रैम्पटन सिटी कौंसल वालों सर्बसम्मति नाल पास मते का जिक्र करदिया उन्होंने कहा कि विद्यक संस्थावां कौमांतरी विद्यार्थियों अटम वजो वरत रही हैं, जबकि उन्होंने रहन सहन के हालात तीजी दुनिया तो भी बदतर होंदे जा रहे हैं। ब्रैम्पटन सिटी कौंसल का ताज़ा कदम अजिहे समय आया है जदों मकान किराए आसमान छोह रहे हैं अते विद्यार्थी अपना गुजारा चलाने लई असुरक्षित तरीके नाल रहन लई मजबूर हैं। ब्रैम्पटन पुज रहे ज्यादातर कौमांतरी विद्यार्थी भारत नाल संबंधित हैं अते कई मामलों विच उन्हां दा शोषण भी किया जाता है। इमीग्रेशन मंत्री अते हाउसिंग मंत्री नूं लिखे पत्र विच मेयर पैट्रिक ब्राउन ने कहा कि म्यूनसिपैलिटीज़ नूं भी कौमांतरी विद्यार्थी की रिहायश के प्रबंध करन वास्ते फैडरल सरकार वधेरे फंड मुहैया करवाए। उन्हां दलील दित्ती कि ओंटारियो विच होरना राज्यां दे मुकाबले सब तो वध कौमांतरी विद्यार्थी आ रहे हैं अते एक वड्डा हिस्सा सिर्फ ब्रैम्पटन विच रहण नूं तरजीह दे रहा है, जिस दे सिट्टे वजों किफायती रिहायश दा संकट पैदा हो गया है। पैट्रिक ब्राउन ने अगे कहा कि वड्डी गिनती विच कौमांतरी विद्यार्थी रहिंदे तां ब्रैम्पटन विच हन, पर उन्हां दे कालेज सैकड़े किलोमीटर दूर हन। ब्रैम्पटन शहर ते वाधू दबा पै रहा है अते इस दे इवज विच कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल रही। कौमांतरी विद्यार्थी कोई टैक्स नहीं दिंदे अते एक बेसमेंट विच 16 तो 16 जने रहिंदे देखे जा सकते हैं।